रोड साइड मैकेनिक हमेशा अवॉइड करिए, क्वालिफाइड जो भी इंजीनियर हो क्वालिफाइड होना चाहिए। अब जैसे प्रभात भाई ने भी आपको बताया कि 10 एम्पियर और 30 एम्पियर के खेल में गाड़ी बार बार फ्यूज दे रही थी, वो ये रहा था कि जिस बंदे ने पंखा चेंज किया है गाड़ी का, अभी रिसेंटली इसका फैन चेंज हुआ, हीटअप कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो पता लगा कि फ़ैन डिसफंक्शनल है, तो हमने फ़ैन चेंज किया। फ़ैन चेंज करने पर ये हुआ कि उसने 10 एम्पियर का फ्यूज़ वहाँ पर लगा दिया जबकि 30 एम्पियर की रिक्वायरमेंट थी। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माइल्स टू नो। आज हम लोग दोबारा उसी गाड़ी के साथ हैं। इशू ये हो गया है कि कल हमने इसमें प्रभात भाई ने इसका फ्यूज चेंज किया और स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ हो गई थी, लेकिन आज फिर वही समस्या हो गई और गाड़ी फिर वैसे ही हार्ड चल रही है बहुत। तो हमें प्रभात भाई ने बताया कि वायरिंग का इशू हो सकता है, क्योंकि बार बार फ्यूज का उड़ना इसका मतलब है कि जिस तरीके से आपके घर में सर्किट होता है उसमें शॉर्ट सर्किट होता रहेगा, तो अब मान लीजिए पंखा सही से आपने वायरिंग नहीं की है तो बार बार शॉर्ट सर्किट होगा। सिमिलरली गाड़ी के अंदर अगर बार बार फ्यूज उड़ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि इसकी वायरिंग सही नहीं है। तो फिर से फ्यूज ठीक किया, फिर से आया, फिर चल रही अच्छी, लेकिन अब ये देखना है कि ये फिर से घंटे आध घंटे 7-5 किलोमीटर में दोबारा वैसे ही ना हो जाए। तो हम लोग इस इशू को दोबारा देख रहे हैं, देखिए अभी फिलहाल ट्रायल पे ले आए हुए हैं। आप देखिए स्टीयरिंग अभी तो फिर स्मूथ हो गया है, फिलहाल बिल्कुल सही काम कर रहा है, बाकी ट्रायल करके हम देखते हैं दोबारा फिर उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो क्या मतलब ये अगर उड़ा था दोबारा उड़ेगा फिर, या ऐसा भी हो सकता है कि ना उड़े? इसकी वायरिंग चेक करेंगे कहीं से अर्थिंग तो नहीं ले रही है, अगर वो कहीं से शॉर्ट कर रही है तो फिर दोबारा जरूर उड़ेगा। अच्छा, तो अगर दो बार उड़ा है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट तो कर ही रही होगी कहीं ना कहीं से, ऐसा तो संभव नहीं है कि हाँ। अभी देखिए कितना स्मूथ चल रहा है इसका स्टीयरिंग, आप लोग देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग की तरह, हालांकि इलेक्ट्रिक है ये लेकिन हाइड्रोलिक की तरह चल रहा है। दोस्तों आप लोगों की नॉलेज के लिए फिर से बता दें, ये मारुति सुजुकी की जेन स्टिलो है और 12-13 में हमने ली थी ये गाड़ी, काफ़ी स्मूथ है ये, काफ़ी अच्छी चलती है, माइलेज काफ़ी अच्छा है इसका, तो इसको सिटी के अंदर तो मैं एक आइडियल कार कह सकता हूँ, बहुत ही अच्छी चली है। 1 लीटर यानी कि 1000 cc की गाड़ी है ये। हमारे पास शेवरले की बीट भी है जो 1000 cc की है, लेकिन उससे अच्छी माइलेज के मामले में भी और हर तरह से मेंटेनेंस में भी लो मेंटेनेंस रही है बहुत। मुझे लगता है मारुति सुजुकी की सभी गाड़ियाँ लो मेंटेनेंस है। बिल्कुल स्मूथ चल रहा है स्टीयरिंग, वरना लोहे की तरह हार्ड हो जाता है। कल इतनी देर में हार्ड हो गया था? ना ना ना, 7 किलोमीटर यहाँ से। दोस्तों फाइनली हम लोग ट्रायल पर आए हैं, प्रभात भाई बताएंगे कि इसमें समस्या क्या थी। इसमें समस्या ये थी, इसमें जो रिकमेंडेड फ्यूज साइज का पावर स्टीयरिंग का वो 30 एम्पियर का था, जो कि इसमें लगा हुआ था 10 एम्पियर का, जिस वजह से बार बार फ्यूज उड़ रहा था। जब इसका हमने फ्यूज चार्ट देखा जो बॉक्स के ऊपर दिया होता है, फ्यूज बॉक्स के ऊपर
लोकेट किया होता तो उसमें 30 एम्पियर का फ्यूज दिखा रहा था। अभी हमने फाइनली इसमें जो है 30 एम्पियर का फ्यूज लगाया है, अब गाड़ी में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। रोड साइड मैकेनिक हमेशा अवॉइड करिए, क्वालिफाइड जो भी इंजीनियर हो क्वालिफाइड होना चाहिए। अब जैसे प्रभात भाई ने भी आपको बताया कि 10 एम्पियर और 30 एम्पियर के खेल में गाड़ी बार बार फ्यूज दे रही थी, वो ये रहा था कि जिस बंदे ने पंखा चेंज किया है गाड़ी का, अभी रिसेंटली इसका फैन चेंज हुआ, हीटअप कर रही थी काफी ज्यादा, तो पता लगा कि फैन डिसफंक्शनल है, तो हमने फैन चेंज किया। फैन चेंज करने पर ये हुआ कि उसने 10 एम्पियर का फ्यूज वहां पर लगा दिया जबकि 30 एम्पियर की रिक्वायरमेंट थी और गाड़ी का रिकमेंडेड चार्ट के हिसाब से 30 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन हमने उन्होंने 10 एम्पियर का लगा रखा था, ये चीज हम लोगों ने चेक नहीं। अच्छा, कल प्रभात भाई ने वो फ्यूज हटाया और वहीं पर दोबारा लगाया, वो भी 10 एम्पियर का, तो ध्यान नहीं दिया। आज उन्होंने जब इस चीज पर ध्यान दिया कि नहीं, वो एक्चुअली उसने गलत कैपेसिटी का फ्यूज ही लगा रखा था, तो उसकी कैपेसिटी क्षमता ही कम थी, इस वजह से बार बार ये फ्यूज हो जा रही थी। अब ये समस्या फिलहाल सॉल्व हो गई है, अब देखते हैं, मेरे ख्याल से गाड़ी अब फ्यूज नहीं होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है अभी प्रभात भाई ने हमारे, और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपनी गाड़ी में फैन चेंज करा रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक काम करा रहे हैं तो आपका रोड साइड मैकेनिक या सड़क छाप मैकेनिक ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माइल्स टू नो, और वी विल सून बी बैक विथ अनदर वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू माइल्स टू नो।